एक अपने पास सर्कुलर डिस्क है और इसमें एक सर्कुलर होल भी है, ठीक। ये जो होल की रेडियस है ये है ए, और ये जो कंप्लीट डिस्क थी ये थी बी। यानी कि अब हमारे पास जो डिस्क बची है वो ये है, डिमेंशन पार्ट। कह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो हमने कहा ऐसे तो इसका निकलेगा नहीं, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो क्या किया था हमने, हम यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए और हमने डी आर मोटाई की एक स्ट्रिप ली, डी आर मोटाई आर डिस्टेंस पे जाके डी आर मोटाई की एक स्ट्रिप ली। तो हमने कहा कि ये हमारा जो स्ट्रिप है ये कैसी बनी है, ये हमारी सर्कुलर रिंग बनी है। क्या बनी है? सर्कुलर रिंग। इस सर्कुलर रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान सकते हैं, डी आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो हमने कहा भाई साहब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, अच्छा डी एम मास। हमने कहा जो सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा नॉट अपॉन आर। जैसे जैसे आप छूट जाओगे वैसे वैसे ये बदले। तो हमने कहा भाई साहब अगर हमें डी एम मास निकालना हो तो हम कहेंगे आर से लेके डी आर हमने बहुत छोटा सा कर लिया है, डी आर बहुत स्मॉल पार्ट। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा को लगभग आर डिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंट दिया जा सकता है, और इसकी छोटी सी एरिया जो डी होगी वो क्या होगी फैलाने के बाद, हम कहेंगे भाई साहब लेंथ आई इसकी 2πr और इसकी विड्थ क्या आई dr। तो हमने कहा इसकी एरिया छोटी सी कितनी हो गई 2πr dr, तो d की विड्थ क्या आई 2πr dr। तो यहां पे di क्या हो जाएगा, di हो जाएगा 2πr dr इनटू सिग्मा नॉट अपॉन आर, क्योंकि आर डिस्टेंस में हम लगभग इसको ही वेरिएबल ले सकते हैं, इनटू आर स्क्वायर। जो जो कट रहा है उसको काट दें, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कर दें, यानी डी आई की वैल्यू आई कितनी 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर। तो I की वैल्यू क्या आई 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन 3 को बाहर लो R क्यूब यानी B क्यूब माइनस A क्यूब, B क्यूब माइनस A क्यूब। तो ये आएगा कितना, इसका आया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें क्या पूछा, हमें पूछा है मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में I is equals to क्या होता है m k square, m क्या है m the mass of the disc। पहले mass of the disc भी निकाल लेते हैं भाई साहब, mass of disc क्या होगा integration dm, कहां से कहां तक a से लेके b तक, यानी m is equals to कितना dm, dm की वैल्यू कितनी है 2 pi r into sigma not upon r dr, आर ने आर को मारा तो एम की वैल्यू क्या आई 2 पाई ए टू बी 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर का इंटीग्रेशन तो आर ही होगा ए से लेके बी तक, तो एम की वैल्यू होगी कितनी 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए, बी माइनस ए। यानी कि मैं 2 पाई सिग्मा नॉट को क्या लिख सकता हूं बी माइनस ए
यानी 2 पाई सिग्मा नॉट को हमने हम रिप्लेस कर सकते हैं m by v माइनस a। तो देखिए यहां पे अगर हम रखें वैल्यू i की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 2 पाई सिग्मा नॉट की जगह मैं क्या रखने चल रहा हूं, m by v माइनस a, तो रख दूं m अपॉन v माइनस a इज इक्वल्स टू इनटू अच्छा 1 बाई 3 तो है ये b क्यूब माइनस a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, b माइनस a इनटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, पढ़ा हुआ है हमने a क्यूब प्लस b क्यूब या क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू m k स्क्वायर, m से m चला गया b माइनस a से b माइनस a चला गया, तो अपनी k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई है यहां से इसको बाहर लेना है तो k की वैल्यू आई है दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट कितना b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 अपॉन 3, ये आया हमारे साथ रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट सेंटर ऑफ